सफ़ेद दाग की बीमारी को सोसाइटी में लोग छुआछूत की बीमारी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी छुआछूत की बीमारी समझने की वजह से जो पेशेंट होता है उसके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सच तो ये है कि ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है। डॉक्टर्स के मुताबिक आपके बॉडी में मेलानोसाइट नामक जो सेल होती है स्किन का कलर चेंज करने वाली, उसके डैमेज होने की वजह से या फिर उसके नष्ट होने की वजह से सफ़ेद दाग बीमारी होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है या फिर आपके बॉडी में थायराइड के बढ़ने की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। सफ़ेद दाग की बीमारी को विटिलिगो या फिर लिकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी ये वाइट केयर मेडिसिन ये अपना काम कैसे करती है। आपको पता है आपकी बॉडी में जो मेलानोसाइट सेल है उसको ये एक्टिव कर देती है। सफ़ेद दाग में क्या होता है, मेलानोसाइट जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये दवा क्या करती है, मेलानोसाइट सेल को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें से मेलानिन नामक केमिकल निकलता है। मेलानिन नामक केमिकल जो कि आपकी बॉडी में तब निकलता है जब आप सनलाइट में जाते हो, धूप में जाते हो। तो जब आप धूप में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन का जो कलर है वो काला पड़ जाता है, काला होने लगता है। इसीलिए इस मेडिसिन पे भी लिखा हुआ है कि जब भी आप इस मेडिसिन यानी कि इस क्रीम या फिर लोशन को लगाएं ना, वाइट केयर क्रीम या फिर वाइट केयर लोशन को लगाएं, उसे धूप ज़रूर दिखाएं। आज की इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल फार्मासिस्ट वैशाली को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।